अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सज्जाद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ख़ास। उस कुछ ख़ास में क्या है, हम अफ़गानी टिक्का लाए हैं। अफ़गानी टिक्का थोड़ा सा जो है ना मुख्तलिफ होता है, जो हमारे पेशावर में या लाहौर में आम जो टिक्के बनते हैं वो काफ़ी जो है ना स्पाइसी होते हैं, जबकि अफ़गानी टिक्का में जो है ना बहुत ही कम बेसिक जो है ना स्पाइसेस चाहिए होते हैं। मेरी तो बहुत ही पसंदीदा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगी। तो आए देखते हैं कैसे बनते हैं और फिर खा के भी देखते हैं, चले हमारे साथ। इससे पहले तो हम जो है ना ये फालतू चर्बी की सफाई कर लेंगे। अच्छा, ये गोश हमने साफ़ भी कर दिया। इसकी जो है ना ये हमने टिक्कों के लिए, सीख के लिए जो है ना छोटी छोटी बोटियां भी कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, तकरीबन 3 इस साइज़ के प्याज लेने हैं। इस प्याज को हमने इसमें डाल देना है। ये तकरीबन हमने 2 किलो गोश्त लिया था, इसके लिए हमने जो है ना तकरीबन 3 बड़े प्याज जो है ना हमने क्रश किए। अब इसके जो क्रश किए पर इसका पानी जो है ना हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हम इसका प्रेस कर लेंगे। ये पानी देखें आप, इसमें सारे ये प्याज का पानी आ गया है। इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। ये लहसुन जो पिसा हुआ है पीस लिया हमने, ये भी इसमें डाल लेंगे। ये इसमें फिर फर्दर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब ये थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम तकरीबन पूरी रात जो है ना इसी में इसी तरह रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। इसको हम इस तरह छोड़ देंगे पूरी रात। हमने क्योंकि आग इस पर डायरेक्ट तो पकड़ेगा नहीं, हमने क्या करना है, एक शॉपर लेके इस पर डाल देना है। जल चुका है, अंगारा बनने के करीब है, तो इसलिए इसको हम इसको हिला रहे हैं। ये जो हमने गोश्त मेरीनेट किया था ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली मेरीनेट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने इसको सीख में डाला। ट्रेडिशनली इसमें जो है ना जो बीफ की चर्बी है उसका भी एक टिक्का डालते हैं, लेकिन चूंकि पेंडेमिक की वजह से हमें इजीली अवेलेबल नहीं था तो हमने उसके लिए ज़्यादा तगड़ो नहीं की और हमने सिर्फ बीफ ही लिया। सीखे हमने बना लिए, अभी हमने इसके रखना है। ये है, इसको थोड़ी देर बाद हमने जो है ना पलटना होता है ताकि ये हर तरफ से प्रॉपरली पके।
इसके वक्फे पेज में ना इसके ऊपर ये ऑयल लगाना है ताकि ये जूसी मेरे और जलेगी ना। ये पक गया है, ये देखते हैं है कैसे। बहुत गर्म है अभी, डेढ़ सही रहेगा। मैं नहीं खुश होगा और